सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। में वीडियो में बात करेंगे हम मुनव्वर फारूकी के बारे में, जो कि बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट है। और वहां पर उनके बारे में कुछ लोग बात बता रहे हैं कि भाई वो एक फेक पर्सनैलिटी है, क्योंकि जो बिग बॉस में वो दिखाई दे रहे हैं वो रियल वर्ल्ड में ऐसे नहीं है। बहुत से यूट्यूबरों ने इस पर रिएक्ट किया है, लेकिन यहाँ पर कटारिया ने क्या कहा है उसके बारे में भी जरा सुनिए। क्या बोला है कटारिया ने क्या है यहाँ पर एक्सपोज करते हुए क्या क्या बोला, जरा सुनिए ये क्लिप। बिग बॉस देख रहा था मैं भाई, साफ साफ दिख रहा, मैंने कल ये बात बोली थी, आज तुम्हें दिख गई होगी। तुम्हें भी अंकिता एंड मुनव्वर आर प्लेइंग वेरी स्मार्ट। आई नो आप लोगों के फेवरेट हूँ देखो, पर मैं अभी तो ऑनेस्ट हूँ ना, मैं अभी तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता हूँ। सॉफ्ट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पब्लिक को, धीरे धीरे दिमाग खा रहे हैं पब्लिक का कि हम बहुत अच्छे हैं, ये है वो है। समझा करो अच्छी जगह कुछ को, समझ रहे हो ना। ट्विटर पर असली खेल चलता, ट्विटर पर आओ पता लगेगा कहाँ से क्या पीआर चलाई जा रही है, कहाँ से क्या पीआर नहीं चलाई जा रही है मुनव्वर की, सब दिख जाएगा आप लोगों को। रियल वर्ल्ड में ना जितना अच्छा बनता है उतना कोई अच्छा नहीं होता भाई। आगे बात समझ में, थोड़ा समझा करो, सोचा करो गाइस, फिर डिसीजन लिया करो, क्योंकि आप लोग की हो सुप्रीम पावर, जनता इज द सुप्रीम पावर भाई। आगे बात समझ में, तो अपनी पावर को अच्छे से यूज़ करना। तो जैसे कि साथियों आपने सुनी लिया कि कटारिया ने क्या बोला है, ये एक्सपोज करने वाली ही बात है। आपको पता है कि बाबू भैया का ही सपोर्ट कर रहे हैं फिलहाल एलविश यादव आर्मी। और अभी बात करते हैं एलविश यादव के बारे में। एलविश यादव का आपको पता है सॉन्ग आया था मनीषा के साथ, जिसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स अभी मिल रहा है। आपको ये सॉन्ग कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताना।